शब्द भी एक तरह का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है वो समझ जाएं तो दुनिया में उससे बढ़िया रसोईया कोई नहीं। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। रिश्तों की सिलाई अगर भावना से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। कभी कभी हम धागे ही इतने कमजोर चुन लेते हैं कि पूरी उम्र ही गांठ बांधने में गुजर जाती है। दुर्योधन ने सेना चुनी, द्रोण ने अपना पुत्र, भीष्म ने प्रण चुना, कर्ण ने अपना मित्र, सिर्फ अर्जुन ही थे जिन्होंने चुना केवल और केवल कृष्ण। धन को एकत्रित करना सहज है, लेकिन संस्कारों को एकत्रित करना अति कठिन है, क्योंकि अच्छे संस्कार धारण करने के लिए तप करना पड़ता है। धन को तो लूट कर भी इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन संस्कारों के लिए समर्पित होना पड़ता है। हमें पता है कि रंगोली दूसरे ही दिन मिटने वाली है, फिर भी वो ज्यादा से ज्यादा आकर्षक हो, कलात्मक हो, मनमोहक हो, ये हमारी कोशिश रहती है। जीवन भी कुछ रंगोली जैसा ही है। हमें पता है जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी, फिर भी उसे खूबसूरत बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। एक दिन हम और आप महज एक याद बनकर रह जाएंगे। कोशिश कीजिए कि यादें अच्छी बनी रहे। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून इन्हें समय समय पर काटते रहें, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। चाय और चरित्र जब भी गिरता है तो वो ऐसा दाग लगाता है कि धोने से भी नहीं जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, अतः किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि द्वारा ये आकलन अवश्य कर ले कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों न बना ले, फिर भी पहचानने वाले व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दे, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज्यादा प्रखर होगी। उपहार देने वाले की नियत देखी जाती है, उपहार की कीमत नहीं देखी जाती। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसीलिए कभी किसी को अपमान मत करो, किसी को कम मत समझो। आप शक्तिशाली हो, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं। एक नींद, दूसरा गुस्सा, तीसरा डर, चौथा थकान, पांचवा आलस्य और छठा काम टालने की आदत। कलयुग चल रहा है, इसीलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। भाग्य मनुष्य के निर्णय का परिणाम है। एक ही निर्णय भविष्य की दिशा बदल सकता है। नम्रता से बात करना, हर एक का आदर करना, आभार व्यक्त करना और क्षमा मांगना, ये गुण जिसके पास है वो सदा सबके समीप और सबके लिए प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसीलिए सफर जारी है। मन सभी के पास होता है, मगर मनोबल कुछ लोगों के पास ही होता है।
आलोचना करने वालों का सदा आदर ही करें, क्योंकि वे आपकी अनुपस्थिति में आपके नाम को चर्चा में रखने का काम जो करते हैं। कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हो, आंखें मूंद कर उसके पीछे न चलिए। यदि ईश्वर की ऐसी मनसा होती तो वो सभी को आंख, नाक, कान, मुंह, मस्तिष्क आदि क्यों देता। स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लें तो वो प्रेरणा बन जाती है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रृंगार शरीर का नहीं आत्मा का होना चाहिए। जिस प्रकार कोयल की कूक और नदी का कलकल उनका अपना श्रृंगार है, उसी प्रकार आत्मा की पवित्रता ही मनुष्य का श्रृंगार है। शरीर का श्रृंगार जितना अधिक होगा, आत्मा का प्रकाश उतना ही कम होगा। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण है जो उन्हें सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तरासने वाले पत्थर को भी तरास देते हैं, नासमझ हीरे को भी पत्थर करार देते हैं। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं ना उधार लिए जा सकते हैं। इसीलिए उन लोगों को जरूर महत्व दे जो आपको महत्व देते हैं। हमें भगवान कब याद आते हैं? धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी को बीमार हो जाने पर, कंजूस के पैसे खो जाने पर, किसान को वर्षा नहीं होने पर, मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा फल के समय, राजनीतिज्ञ को चुनाव हार जाने पर, और अफसर को रिश्वत लेते पकड़े जाने पर। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो आग तो बुझा ही सकता है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसीलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझे, क्योंकि वो कर सकता है जो आप नहीं कर पाए। जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुरा के जीने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। दुनिया किसी को भी जीने नहीं देती, इसकी सबसे बड़ी मिसाल पैसे से जुड़ी है। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं पैसे के लिए मरा जा रहा है। मेहनत ना करे तो निखट्टू है, पैसा खर्च करो तो फिजूल खर्च कहा जाता है। यह भी कि पैसा संभाल कर रखना चाहिए, वक्त बेवक्त काम आता है, और अगर खर्च ना करो तो सुनने को मिलता है बड़ा कंजूस मक्खी चूस है। आपके पास बहुत पैसा हो तो कहेंगे दो नंबर का होगा, अगर पैसा कम है तो कहेंगे सूझबूझ होती तो ये हालत ना होती। और जिंदगी भर मेहनत से जमा किए गए पैसे के बारे में कहा जाता है, बेवकूफ है, पैसे का सुख न भोगा तो कमाया क्यों था। बर्तन से पूरी तरह पोंछकर खाना खाने वाले एक बालक के दोस्त उसका रोज मजाक उड़ाते थे। एक ने उस बालक से पूछा, तुम रोजाना बर्तन में एक कण भी क्यों नहीं छोड़ते। बालक बोला, इसके तीन कारण हैं। यह मेरे पिता के प्रति आदर है, जो इस भोजन को मेहनत से कमाए रुपयों से खरीद कर लाते हैं। दूसरी, ये मेरी माँ के प्रति आदर है, जो सुबह जल्दी उठकर बड़े चाव से इसे पकाती है। और तीसरी, ये आदर मेरे देश के उन किसानों के प्रति है, जो खेतों में भूखे रहकर कड़ी मेहनत से इसे पैदा करते हैं। इसीलिए थाली में झूठा छोड़ना अपनी शान ना समझे। खाना खाओ मन भर, न छोड़ो कण भर, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि बुरे कर्म हजारों जन्मों तक पीछा नहीं। सदियां गुजर गई मगर आज भी कोई माँ बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी और मंथरा नहीं रखता।
बुरे कर्मों के कारण ही होलिका और रावण आज भी जल रहे हैं। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो वो भरकर बाहर निकलती है। जिंदगी का भी यही गणित है, जो झुकता है वो प्राप्त करता है। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी या गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं वो झोपड़ी में भी हंसते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। दिमाग में वजन नहीं भजन रखना। जागने वाला कमाता है और सोने वाला गंवाता है। मनुष्य का अपना क्या है, जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, शिक्षा दूसरे ने दी, काम करना भी दूसरे ने सिखाया, अंत में शमशान भी दूसरे ले जाएंगे। तुम्हारा अपना इस संसार में क्या है जो घमंड करते हो। सुख प्राप्त करने की चाह में आदमी मकान बदलता है, दुकान बदलता है, कभी कभी देश बदलता है, तो कभी कभी भेष भी बदलता है, लेकिन अपनी सोच अपना स्वभाव बदलने को राजी नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर ही नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। किसी को सुधारना है तो उसे उसकी गलतियों की नहीं, उसकी विशेषताओं की बार बार याद दिलाओ। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच पहली बार बोलना कठिन होता है, पर बाद में सिर्फ आराम देता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।